बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको कपड़े का तिरछापन निकाल के दिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। अगर कमीज के ऊपर गला हो तो रेब निकालना कुछ मुश्किल होता है, गला ना हो तो रेब आसानी से निकल जाती है। ये कमीज की मैंने फ्रंट साइड ली है। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी। नीचे से गेयर को मैंने बिल्कुल बराबर रखना है इस तरह से, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले कपड़े को भी सीधा करना है। इसे बिल्कुल इसी तरह से सेट करके रखना है और इसका नाप लेना है। अगर चौड़ाई कम है तो फिर और इसे मोड़ लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने लेनी है 12 इंच, अभी थोड़ी सी कम है। अब मैं और इसे इस तरह से मोड़ूंगी, इस साइड से नोक को बाहर निकाल दूंगी और ऐसे रख लूंगी, और एक नोक इस साइड पे निकल गई है और एक नोक इस साइड पे निकल गई है। अब मैं इसकी चौड़ाई का नाप लूंगी। अब इसकी चौड़ाई जो है 12.5 इंच मैंने रखनी थी वो हो गई है पूरी। अब ऊपर से भी नाप लूंगी, ऊपर से इसकी चौड़ाई 12 इंच है, नीचे से गेरेज की चौड़ाई मैंने रखनी थी 12.5 इंच। ऊपर से जब कंधे की कटाई करूंगी तो नीचे से इसकी चौड़ाई पूरी होगी, यहां से 12.5 इंच बन गई है। अब मैं यहां पे 12.5 इंच पे निशान लगा लूंगी और कंधे का भी निशान लगा लूंगी। इस कमीज की लंबाई मैंने 41 इंच रखनी है। यहां तक अब मैं सारे निशान लगा के आपको दिखा देती हूं। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी सेट कर दिया और फ्रंट साइड के ऊपर रख दिया। ये इसके ऊपर निशान मैंने लगा दिए, इन निशानों के ऊपर ऊपर कटाई कर लूंगी। ये रेब वाला कपड़ा निकला है इस तरह से ऊपर वाली साइड से और नीचे तक इस तरह से, और नीचे वाली साइड से इस तरह से, इस तरह से तिरछी पट्टी निकली है। अब मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ आपको। ये इसका गेयर है, बिल्कुल बराबर है, रेब बिल्कुल नजर नहीं आ रही। इस तरह से हम अपने कपड़े का तिरछापन निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बेरुख खुशियां अता करे, अल्लाह ताला आपको अपनी मान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।